नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SV स्मार्ट टेक पे। दोस्तों, यदि आप इटली से पैसा इंडिया में मंगवाते हैं तो क्या क्या चार्ज करता है, कितना चार्ज करता है, वो पूरा इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, इटली से हमें 2500 यूरो इंडिया में आया है और मैं बैंक का स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं कि 2500 यूरो इंडिया में कितना रुपीज बना है और कितना चार्ज कटा है, कितना कमीशन कटा है, वो लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है और ये रहा स्टेटमेंट जो कि आप देख सकते हैं, 2500 यूरो इंडिया में आकर के बना है 218258 रुपया और ये 87.83 रुपया के रेट से दिया गया है। बट अभी एक यूरो का जो कीमत है वो 92 रुपया के समथिंग है, तो जितना यूरो का कीमत रहता है उसी हिसाब से आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर के मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे तो कमीशन कितना कटा है, कमीशन जो है वो 50 रुपया कटा है। कहीं से भी इंडिया में पैसा आता है तो आपको जो कमीशन है वो फिक्स रहता है, 50 रुपया आपको कमीशन कटता है। उसके बाद सर्विस चार्ज कटता है गाइस, जो कि है मेरा सर्विस चार्ज 286.38 रुपया कटा है और ये जो सर्विस चार्ज है वो घटते रहता है अमाउंट के अनुसार और बढ़ते रहता है। अमाउंट ज़्यादा है तो बढ़ेगा, अमाउंट कम है तो घट जाएगा, ये फिक्स नहीं रहता है। तो आपने पूरा डिटेल देखा कि किस किस तरह का चार्ज करता है, ये जो आप स्टेटमेंट देखें इसके अलावा किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करता है। यदि आप इटली से पैसा मंगवाए या दूसरे और देश से मंगवाए तो यही दो चार्ज करता है, कमीशन और सर्विस चार्ज। यदि आप ऑफलाइन कन्वर्ट करवाएं यूरो को रुपीज में तो हो सकता है जो आपका एजेंट रहेगा वो किसी तरह का और चार्ज काट सकता है, लेकिन बैंक में सिर्फ यही दो तरह का चार्ज करता है, कमीशन और सर्विस चार्ज। ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के नए नए वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू।